थाना बेवर क्षेत्र का रहने वाला एक पीड़ित परिवार, उसकी तरफ से दर्ज कराई गई FIR में मुलजिमों की गिरफ्तारी न होने से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित है जिसका नाम मुकेश कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी नगला पांडे थाना बेवर है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि 11 मार्च के दिन 11 बजे गांव का लड़का कन्हैया और हरफूल पुत्र राजा राम व विवेक पुत्र पेशकार साग के लेकर चला गया, जिसकी मुख्य अभियुक्त शिवानी पुत्री दशरथ सिंह निवासी नगला पांडे का पूरा हाथ है। यही पीड़ित की लड़की से बातचीत करता था। पीड़ित ने फिर 12 मार्च के दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही उसकी पुत्री की बरामदगी हो पाई है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना ना हो गई हो। इसके लिए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आज आप SP साहब क्या शिकायत करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? साहब हमारी बेटी जो है 11 तारीख से चली गई है घर से, कोई आज तक पता नहीं बेटी मरी है जिंदा है कहाँ है। आज तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया और नाम दर्ज रिपोर्ट की, उसमें किसी को पुलिस ने पकड़ा नहीं आज तक। कौन ले गए, किस पे आपको शंका है? कन्हैया और हरफूल सनौप राजा राम और विवेक सनौप पेशकार और एक शिवानी लड़की है, वो फोन कराती रही इधर उधर और उसी का पूरे साजिश है। किस गांव का मामला, किस थाने का मामला? नंगला पांडे के रहने वाले और बेवर थाने की घटना है। थाने में क्या हुआ? थाने में साहब रिपोर्ट दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? अब साहब हमारी बेटी बरामद हो जाए,